ईवीएम के विरोध में वकीलों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही वकीलों ने ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा दिया। ईवीएम हटना क्यों जरूरी है, इस संदर्भ में प्रतिक्रिया साझा की है। इसके बाद जिलाधिकारी को मांग का ज्ञापन सौंपा। देश बचाओ का नारा देते हुए आज आप कलेक्टर ऑफिस आए हो, क्या मांग है और क्या निवेदन देने वाले हो कलेक्टर? निवेदन यही है कि ईवीएम के द्वारा ईवीएम पे जो है देश का भरोसा नहीं रहा है। हाल ही में जो कल का जो वाकया हुआ चंडीगढ़ का, वो भी उसकी मद्देनज़र अगर देखते हुए ईवीएम जो है लोकतंत्र के लिए खतरा हो चुका है। और जो अनुभव जो लोगों को आ रहे हैं, खासकर हमारे वकील लोगों ने जो दिल्ली में आंदोलन छड़ा हुआ है, उसका भी अगर आप बैकअप लीजिए तो पता चलता है कि ईवीएम में काफ़ी सारा गोलमाल हो रहा है। वो जितने चाहे वोट उनको आ रहे हैं, उनके जो उम्मीदवार है पर्टिकुलर भाजपा के, उन लोग बोल रहे हैं कि हमको इतने वोट आने वाले हैं और हम इतने वोट से चुन के आने वाले हैं, तो ये भी वहाँ पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ईवीएम जो है इसमें गड़बड़ी हो रही है। और पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे काफ़ी कम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ पर भी ईवीएम बंद हुई है। फिर इंडिया में अगर पूरे देश में एक एक गाँव में एक एक शहर में अगर इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, एक जागरूक नागरिक करके एक वकील लोग जो है देश में आज उन्होंने इसका पूरा बीड़ा उठा लिए है, और एक अपना संवैधानिक दायित्व या एक नैतिकता करके एक सामाजिक दायित्व निभाने के लिए आज वकील लोग भी अपना काम धाम छोड़ करके आज संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, लोगों के हक को एक सुरक्षा पैदा करने के लिए, एक देश में अच्छी सरकार आने के लिए, लोग जनता के लिए लड़ने वाली सरकार, जनता की हित की सरकार आने के लिए आज अगर ईवीएम के खिलाफ अगर आवाज़ उठा रही है और चुनाव आयोग जो है उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है, ना डेलीगेशन को मिल रही है, ना डेलीगेशन को आवाज़ दबा रही है, उनसे मिलने के लिए तकराती है, मतलब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का सत्ता का इसके ऊपर इनके ऊपर में बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं अपन डर का माहौल इन लोगों ने पैदा कर दिया है। इसलिए चुनाव आयोग भी इसके खिलाफ एक भी लफ्ज ना मीडिया में, ना वकील लोगों को, ना डेलीगेशन को आज देने के मूड में है। इसका मतलब साफ है कि ईवीएम जो है अवैध सत्ता का एक केंद्र बन गया है, एक चाबी बन चुकी है। इसलिए कहीं ना कहीं ईवीएम के विरोध में जो है पूरी देश पूरा मांग कर रहा है, लेकिन आज ना सुप्रीम कोर्ट, ना चुनाव आयोग, ना केंद्र सरकार इसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रही है।